सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि दोस्तों मैं अपने जियो के कस्टमर से डायरेक्ट बात करके लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं, अगर आपके भी नंबर पे कोई प्रॉब्लम हो जाता है या कोई इशू आ जाता है और आप चाहते हैं कि जियो के कस्टमर केयर से बात करना, तो दोस्तों कौन सा नंबर पर जल्द से जल्द लगेगा और कौन सा नंबर पर आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को जियो के कस्टमर केयर के नंबर पर कॉल लगाकर लाइव प्रूफ बात करने वाले हैं। आप लोग भी आज के इस वीडियो से सीख के आपके भी साथ कोई प्रॉब्लम होगा और आप भी चाहेंगे जियो के कस्टमर केयर से बात करना, तो आप लोग इस तरीका से बात कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखना, तभी आज के इस वीडियो से सीखेंगे और उसके बाद जियो के कस्टमर से बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले भाई की इस वीडियो को लाइक कर दो, उसके साथ साथ यहाँ पे वीडियो के नीचे एक लाल बला होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बाद में एक बेल आइकन है इस पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, सिंपली आपको करना क्या है, अपने मोबाइल का डायलर पैड को ओपन कर लेना है। मोबाइल का डायलर पैड को ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको नंबर डालना है। आपको गौर से देखना है, यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ 98 लिख कर आपको यहाँ पे कॉल लगा देना है। चलिए दोस्तों, मैं कॉल लगा दिया हूँ। कॉल लगाने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं, फाइनली आपको यहाँ पे कॉल लग चुका है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम जानते हैं कि आप इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करते हुए, वीडियो देखते हुए, एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए धीमी गति जैसे समस्या का सामना कर रही है। यह एक अस्थायी समस्या है और अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी। हम इसे जल्द से जल्द ठीक करने के लिए काम कर रही है। आपका वर्तमान डेटा बैलेंस 1.5 GB है, जो आपके 1.5 GB दैनिक डेटा कोटा में से बचा हुआ है और ये 15 अगस्त 2023 1:22 AM पर रिन्यू होगा। नए ऑफर्स, रिचार्ज और प्लान के लिए 1 दबाएं। अपने वर्तमान सक्रिय प्लान, पिछले 5 रिचार्ज, डेटा बैलेंस, प्लान की वैधता और आगामी प्लान के बारे में जानने के लिए 2 दबाएं। नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्टिविटी। दोस्तों, यहां पे डायरेक्ट आपको 3 दबा देना। चलिए दोस्तों, मैं 3 दबा दिया हूं। इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करने में कठिनाई का अनुभव हो सकता है। इस अवधि के दौरान आप ऑनलाइन वीडियो देख लें, म्यूजिक स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया ऐप, चैट, ईमेल और अन्य मोबाइल ऐप चलाने के लिए इंटरनेट सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगी। हमारी टीम से जल्द ठीक करने के लिए काम कर रही है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। नमस्कार, आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। हम जानते हैं कि आप इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करते हुए, वीडियो देखते हुए, एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए धीमी गति जैसे समस्या का सामना कर रही है। यह एक अस्थायी समस्या है और अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी। हम इसे जल्द से जल्द ठीक करने के लिए काम कर रही है। अगर आपकी शिकायत उस नंबर के लिए है जिससे आप कॉल कर रहे हैं, तो 1 दबाएं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे 1 दबा दिया हूँ। यदि आपको स्लो स्पीड की समस्या आ रही है तो 1 दबाएं। यदि आपका इंटरनेट चलना बंद हो गया है तो, या आपको उपयोग करते वक्त कोई एरर आ रही है तो 2 दबाएं। यदि आपको कॉल करने या रिसीव करने में कोई समस्या आ रही है तो 3 दबाएं। दोहराने के लिए 0 दबाएं। पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 7 दबाएं। मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए 8 दबाएं। हमारे सलाहकार से बात करने के लिए 9 दबाएं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं 9 दबा दिया हूँ। यहाँ पे फाइनली 9 दबा दिया हूँ। जल्द ही हमारे एडवाइजर आपकी सहायता में उपलब्ध होंगे। नमस्कार, जियो केयर में आपका स्वागत है। मैं सरता, आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? जी नमस्कार मैम, गुड मॉर्निंग। मैम, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जो मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूँ तो बहुत स्लो मैम चल रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा मैम? ओके, ठीक रहेगा, मुझे आपकी हेल्प करने में खुशी रहेगी। आपका डेटा बिल्कुल नहीं स्लो या फास्ट पड़ना चाहता है?
मैम आप थोड़ा चेक कर लीजिए क्या इशू है हमारे ये नंबर पे। जैसे मैं डाटा यूज कर रहा हूँ तो बट थोड़ा स्लो चल रहा है मैम, स्पीड थोड़ा बढ़ा दीजिए वहाँ से। अगर प्रॉब्लम है या अगर हमारे सेटिंग में प्रॉब्लम है तो आप सेटिंग बता दीजिए, मैं सेटिंग कर लूँगा फिर हो जाएगा फिर। अभी स्लो नहीं है मेरा इंटरनेट, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बट यहाँ पे मैं आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ बात करके दिखाया हूँ कि आप लोग को जियो के कस्टमर केयर से अगर आपको बात नहीं करने आता है तो आप लोग इस तरीका से डायरेक्ट अपने जियो के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले कोई भी नया नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, जब तक